छत्तीसगढ़ के बस्तर में बर्ड फ्लू के दो मामलों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बस्तर जिले के साथ दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी ये बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और वहीं बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रशासन ने जारी किए हैं। गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग साथ ही पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बस्तर जिले में एक मामला ये जगदलपुर के पावर हाउस चौक का है, तो वहीं दूसरा मामला बस्तर विकास खंड मुख्यालय में स्थित आईटीआई के समक्ष पाया गया है। आपको बता दें कि यहां मृत पाए गए पक्षियों को ये सेंट्रल लैब भोपाल जांच के लिए भेजा गया था और जहां बर्ड फ्लू के पाए जाने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने पोल्ट्री फार्मों पक्षियों के असामान्य मौत होने पर तत्काल सूचना देने, गहरे गड्ढे में दफनाने के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही चिकन सेंटर बतख व्यवसायियों को शासन की तरफ से दिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को ये कहा गया है और जिन क्षेत्रों में पक्षियों की ये मृत्यु बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई है वहां सुरक्षा के तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया है। तो बर्ड फ्लू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर की तो वहां भी बर्ड फ्लू के दो मामलों की पुष्टि हो गई है और इसके चलते ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बता दें आपको ये भी कि बस्तर जिले के साथ दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रशासन ने जारी किए हैं। और आपको बता दें कि गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग साथ ही पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बस्तर जिले में एक मामला जगदलपुर के पावर हाउस चौक का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा मामला बताया जा रहा है बस्तर विकास खंड मुख्यालय का। आपको बता दें कि यहां मृत पाए गए पक्षियों को सेंट्रल लैब भोपाल जांच के लिए भेजा गया है जहां सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बर्ड फ्लू की ये पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है एसटी, लगातार छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो रही है, तो इसको लेकर प्रशासन कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बस्तर में दो दिन पहले दंतेवाड़ा जिला के बचेली में बर्ड फ्लू का जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके जांच जब जांच के लिए उसको भेजा गया था तो जांच के लिए आशंका में भेजा गया था, तो उसको पुष्टि होके ये आई कि वो बर्ड फ्लू से ही वो पक्षी मरी है। उसके बाद जब बीजापुर में कुछ ऐसी पक्षियां मिली मरते हुए, उसको भी जब जांच के लिए भेजा गया तो वहां से भी पुष्टि हुई कि ये बर्ड फ्लू के कारण ही इनकी मौत हुई है। दो दिन पहले जब ये मौत हुई, उसके बाद जब जगदलपुर में जब कुछ घंटों पहले यहाँ पे भी कुछ पक्षियों की मौत हुई, तो यहाँ पे भी जब जांच के लिए भोपाल भेजा गया तो वहां से पुष्टि होके भी यही आई कि ये भी बर्ड फ्लू के कारण ही मौत हुई है। तो इसको देखते हुए शासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी करने के बाद जब यहाँ के पब्लिक पे जब कोरोना के काल से ही बाहर नहीं निकले हैं, उसके डर से, उसके भय से ही बाहर नहीं निकला हुआ है अभी तक का, और ये बर्ड फ्लू का नया असर यहाँ पे चालू हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं भय नजर आ रहा है और पब्लिक कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रही है और शासन प्रशासन इसकी कश्ती से जानकारी ले रही है। और दूसरा, कल बैठक बुलाए थे कलेक्टर बैठक बुलाने के बाद जब पंचायत के अधिकारियों और दूसरा या पशु विकास के अधिकारियों को सभी की तत्कालीन बैठक बुलाकर इसमें चर्चा किया गया। चर्चा करने के बाद इसमें कड़ी निगरानी रख के जो कि चिकन सेंटर और मटन सेंटर है, इन लोग को सब बैन किया गया और जहां जहां पे एक पक्षी मिला गया है मरे हुए पक्षी, वहां पे सैनिटाइजर करने का आदेश जारी किया गया। जी तो एसटी राज, जिस तरीके से लगातार तमाम राज्य की अगर बात करें तो वहां पर भी आए दिन बर्ड फ्लू की पुष्टि हो रही है पक्षियों में, लेकिन अगर जिस तरीके से साथ ही प्रशासन वहां पर भी अलर्ट है, कई जो अगर वहां के अगर चिड़ियाघर की बात करें तो कई जगह पे चिड़ियाघर को भी बंद कर दिया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही है? क्या चिड़ियाघर में जिस तरीके से पक्षी हैं, जानवर हैं, वहां कितने अलर्ट किए गए हैं प्रशासन की तरफ से?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन की तरफ से अलर्ट तो बहुत जोरों से किया जा रहा है। जैसे कि जो चिकन सेंटर है, नाना सेंटर है, सबको जो चिकन वहां से जब्ती किया जा रहा है, करने के बाद गड्ढा खोद कर वहां पे डाल दिया जा रहा है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर क्षेत्र जो होता है, यहाँ से चार जिले के बॉर्डर लगता है, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से सुरक्षा को लेकर दिक्कतें तो जरूर आती है शासन प्रशासन को, लेकिन पूरी तरह से कोशिश तो ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई हानि पैदा ना हो और हानि ना हो, ये कोशिश कर रही है प्रशासन। और आए दिन यहाँ पे बैठक भी कराया जा रहा है कि जैसे कि आज कुछ जानकारी ये भी मिल रहा था कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोगों को, सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोगों को बुलाकर उनकी बैठक किया गया और नया रणनीति तैयार किया जा रहा है। जी तो एसटी, जिस तरीके से अब ये भी खबर सामने आ रही है कि अगर बात करें दुकानदारों की, जिस तरीके से चिकन और मीट की दुकानों को कई राज्यों में बंद कर दिया गया है, क्या इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है प्रशासन की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चिकन मार्केट और मटन मार्केट को बंद तो कराया गया, लेकिन पब्लिक भी सतर्क हो गई है सर। पब्लिक भी उस तरफ जा ही नहीं रही है, उस खरीदी में जा नहीं रही। चिकन और मटन मार्केट में तो कुछ दिनों से बंद ही हो गई थी। जब से यहाँ पे जानकारी मिली कि बर्ड फ्लू की असर बस्तर में आ गई है, तो इसको देखते हुए चिकन व्यापारियों ने भी सपोर्ट किया और उन्होंने खुद बंद करने में सक्षम रहे और सक्षम कर दिए हैं। और जो भी खोल रखा है, जो भी अंदरूनी क्षेत्रों में खोल के बेच रहा है, तो शासन प्रशासन को पता चल रहा है, तो उसको जब्ती बनाकर गड्ढा कर उसमें डाल दिया जा रहा है। जी तो एसडी राज, अब जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ के जो दुकानदार है, जो मीट और चिकन को बेच रहे हैं, लेकिन उसी के साथ वो प्रशासन की तरफ समर्थन भी कर रहे हैं, उनका साथ पूरा दे रहे हैं, क्या लगता है कि इनके साथ ही, क्योंकि जिस तरीके से अगर दुकानदारों की बात करें तो इसी दौरान जो किचन जो अगर चिकन और मीट में काफ़ी असर भी देखने को मिला है, अगर दुकानें बंद हुई हैं, वहाँ के दुकानदारों को काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, और इसी के साथ चलते वहाँ के जो दुकानदार है कितने जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में तो ऐसी नुकसान झेल कर बहुत परेशान है वैसे व्यापारी बहुत सारे, जो कोरोना काल से टला नहीं है कि ये बर्ड फ्लू आने के कारण और ज्यादा परेशानी इन व्यापारियों में, खास करके चिकन और मटन मार्केट वालों को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग ये सतर्कता तो जरूर बरत रहे, क्योंकि इस बर्ड फ्लू के कारण कोई व्यापारी के यहाँ कोई कस्टमर भी नहीं जाएगा खरीदने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही सतर्कता बरतते हुए शासन प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर अपना दुकानों को बंद करने में सक्षम रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसटी राज तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।